नमस्कार, स्वागत है आपका N27 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संजीवनी चौधरी। सपनों का शहर मुंबई। जब बात मुंबई की होती है तो आपकी आंखों के सामने सबसे पहले कौन सा चित्र आता है? ताज होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेंस, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर मरीन ड्राइव। लेकिन बात यहीं पूरी नहीं होती, कुछ तो अभी भी मिस है और वो है मुंबई की काली पीली टैक्सी। ये आइकॉनिक कार दशकों से मुंबई की पहचान है। जो कभी मुंबई नहीं गए उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में ये टैक्सी खूब देखी होगी। लेकिन मुंबई की सड़कों पर आज से ये काली पीली टैक्सी नहीं दिखाई देगी। इस टैक्सी का 60 वर्षों का सफर यहीं समाप्त हो रहा है। प्रीमियर पद्मिनी के नाम से मशहूर काली पीली टैक्सी के लिए रविवार का दिन आखिरी दिन था। परिवहन विभाग के मुताबिक आखिरी पद्मिनी कार का रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मुंबई में टैक्सियों के लिए आयु सीमा 20 साल तय की गई है। इस हिसाब से रविवार को इन टैक्सियों की मुंबई में उम्र खत्म हो गई। अब आज से आपको मुंबई की सड़कों पर काली पीली टैक्सियां नहीं दिखाई देंगी। मुंबई की यह काली पीली टैक्सी प्रीमियर पद्मिनी कार है। प्रीमियर पद्मिनी का सफर साल 1964 में शुरू हुआ था। उस समय पद्मिनी कार 1200 सीसी की पावरफुल कार थी। इटालियन ब्रांड की इस कार को भारत में प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाती थी। 1970 के समय इसका नाम बदलकर प्रीमियर प्रेजिडेंट रख दिया गया था। इसे बाद में रानी पद्मिनी के नाम पर प्रीमियर पद्मिनी कर दिया गया। कंपनी ने साल 2001 में इसे बनाना बंद कर दिया था। आजादी के बाद देश में दो गाड़ियां बहुत लोकप्रिय हुई। एक थी हिंदुस्तानी मोटर्स की एम्बेसडर और दूसरी प्रीमियर ऑटो की पद्मिनी कार। प्रीमियर कंपनी एक रफ एंड टफ कार है। इसका इंजन छोटा हुआ करता था, इसीलिए इसका मेंटेनेंस बहुत आसान था। ये कार 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी। इस समय मुंबई में 40,000 से ज्यादा काली पीली टैक्सियां हैं जो आज से बंद हो गई हैं। 1990 के दशक में ये संख्या 60,000 थी। 1960 के दशक में दिल्ली और कोलकाता में एम्बेसडर कार का बोलबोला था, वहीं मुंबई में पद्मिनी टैक्सी का राज था। बात साल 1964 की है। लाल बहादुर शास्त्री भी इस कार को खरीदना चाहते थे लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे ही नहीं थे। उस समय कार की कीमत 12,000 रुपए थी और शास्त्री के पास 7,000 रुपए ही थे। इस कार को खरीदने के लिए शास्त्री को पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना पड़ा। हालांकि लोन चुकाने से पहले ही वे इस दुनिया से चले गए और बाकी का लोन उनकी पत्नी ने चुकाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुपरस्टार रजनीकांत भी इस कार के फैन हैं। रजनीकांत की पहली कार पद्मिनी ही थी जो आज भी उनके पास रखी हुई है। अभी के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे ऐसी बड़ी खबरों के साथ N27 न्यूज पर, पकड़ हर खबर पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।